Hello friends, today we will learn a new curve which is a cycloid. अब सबसे पहले ये cycloid की concept क्या है वो हम देखते हैं. यहाँ पे देखिए एक circle दिया है, this is a circle और ये एक rolling circle है, मतलब ये circle इस straight line के ऊपर roll हो रहा है, तो इस circle को बोलते हैं this is your rolling circle. और जिस लाइन पे ये रोल हो रहा है उस लाइन को बोलते हैं डायरेक्टिंग लाइन. दैट मीन्स दिस लाइन गिविंग द डायरेक्शन टू रोल दिस सर्कल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ओके, अब देखो कंसेप्ट क्या है. इस रोलिंग सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी है यहां पे, और जैसे ये सर्कल रोल हो रहा है तो आप देख रहे हो इस डैश लाइन से मैंने इसकी नंबर ऑफ पोजिशन बनाई. देखो जैसे ये रोल होगा थोड़ा आगे मूव होगा, इस पोजीशन पे आया तो ये उसकी न्यू पोजीशन होगी, और इस न्यू पोजीशन पे ये पॉइंट पी जो है ये पॉइंट पी भी आगे रोल होगा विद दिस सर्कल. तो पॉइंट पी की फर्स्ट वन पोजीशन आपको मिलेगी ये, जैसे ये थोड़ा रोल होगा और थोड़ा रोल होगा उसके बाद ये आपको सेकेंड सर्कल मिल रहा है, और इस सेकेंड सर्कल पे पॉइंट पी की जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगी, दिस इज पॉइंट पी टू. और थोड़ा आगे रोल होगा तो पॉइंट पी की पोजीशन यहाँ पर आएगी पी थ्री, और थोड़ा रोल होगा पी फोर. ऐसे करते करते ये कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा यहाँ तक, ठीक है. और पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जितना लीनियर डिस्टेंस ये सर्कल ट्रेवल कर रहा है दैट इज नथिंग बट यूर circumference of this circle, that means pi d distance. आपको पता है pi की value, और इसमें multiply करना है आपको diameter of circle, ठीक है. So this one is your pi d distance. और ये जो आपको number of points यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, suppose this is p3, p4, p5, p6, ऐसे finally p. तो आपको ये उसका path trace out करना है like this. ये है आपका cycloid curve. तो बस यही कर हमें बनाना है. पॉइंट पी की आपको हर एक न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग दिस जर्नी. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ इट. यहां पे देखिए दिस इज द स्टेटमेंट. एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगा, ड्रॉ ए साइक्लॉइड ऑफ रोलिंग सर्कल हैविंग डायमीटर 60 mm. आपको सिर्फ सर्कल का डायमीटर दिया होगा, और मे बी ऐसा मेंशन होगा एज्यूम द मूविंग पॉइंट इज इनिशियली ऑन द ग्राउंड. पॉइंट पी की पोजिशन सर्कल के ऊपर आपको दी होगी. तो देखिए इसे कैसे ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले आपको बनाना है 60 डायमीटर का एक सर्कल, ठीक है. तो 60 डायमीटर सर्कल के लिए आपको कंपास में रेडियस लेनी है 30 mm. डायमेंशन लेते समय आपको गलती नहीं करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट 60 mm अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस भी उसकी 60 mm ही ले लेते हैं. ओके, तो ये हो गया सर्कल 60 mm डायमीटर का, ठीक है. हाँ, अब इस सर्कल को आपको डिवाइड करना है इनटू इक्वल 8 नंबर ऑफ पार्ट. इसके 8 इक्वल पार्ट करने हैं आपको. ये पार्ट्स की जो लाइन है ये आपको फेंट निकालनी है. दीज आर दी प्रोजेक्शन लाइंस. प्रोटेक्टर की मदद से 45 डिग्री का एंगल मार्क कर लो, ठीक है. ऑन दिस साइड मेजर 45 mm, ऑन दिस साइड आल्सो मेजर 45 mm. ठीक है, ये सर्कल बना लिया. अब इसके लिए डायरेक्टिंग लाइन बनानी है. तो ये डायरेक्टिंग लाइन का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये लेंथ कितनी होती है इज इक्वल टू योर पाईडी डिस्टेंस, क्योंकि ये सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है. और ये पाईडी डिस्टेंस क्या है, दिस पाईडी डिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. इस सर्कल को मैं अगर यहां से ओपन करता हूं, यहां से अगर मैंने इसको खोल दिया और स्ट्रेट कर दिया
तो वो जो लीनियर डिस्टेंस है दैट लीनियर डिस्टेंस इज नथिंग बट यूर पाई डी डिस्टेंस। ओके, तो पाई डी डिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट ये होगा पाई इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल 60 mm। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ रहा है 0.49। ठीक है, कितना है 188.49 पाई इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे 0.49 है। ठीक है, तो मैं इसे राउंड फिगर 0.5 कर लेता हूँ, तो आपको कितना डिस्टेंस लेना है टोटल यहाँ पे 188.5। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको ये पाई डी डिस्टेंस मार्क करना है लीनियरली 188। ओके, ये हो गया 180, ये 185, 86, 87, 88 और ये आगे आगे की डिवीजन का आधा पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 188.9। ठीक है, अब जैसे ये डिस्टेंस मिलता है आपको, सेम डिस्टेंस ऊपर की साइड से भी आपको मार्क कर लेना है ऑन दिस साइड, और ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेना है। इस पॉइंट से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर निकाल दो। ओके, यहां तक। ठीक है, सिमिलरली सेंटर की ये जो लाइन है इस लाइन को भी अभी यहां तक एक्सटेंड कर लो, और रिमेनिंग ये जो सब प्रोजेक्टर है इन प्रोजेक्टर में से भी आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ये डायरेक्शन में ड्रॉ करने लाइक दिस। ओके, अभी आपका पाई डी डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको दिखाना है दिस डिस्टेंस इज पाई डी डिस्टेंस। लाइन की ऊपर सेंटर में आपको लिखना है पाई डी इज इक्वल टू 188 पॉइंट कितना था वो 49। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये जो सर्कल हमने बनाया और ये जो डायरेक्टिंग लाइन बनाई है, तो सर्कल को अभी लेबलिंग करनी है। यहाँ पे मेंशन है ऊपर, एज्यूम द मूविंग पॉइंट इज इनिशियली ऑन द ग्राउंड, तो ये आपका ग्राउंड पॉइंट है जो ग्राउंड को टच है, तो इसे मैं बोलता हूँ पॉइंट पी। दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ पॉइंट पी वेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन। और जैसे ये सर्कल रोल होगा आगे जाएगा, तो सबसे पहले पॉइंट पी की इनिशियल फर्स्ट पोजिशन होगी ये, इसलिए मैं इस पॉइंट को लेबलिंग करता हूँ पॉइंट वन। सेकेंड पोजिशन जो होगी पॉइंट पी की वो होगी यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड फाइनली ये 8। लेबलिंग नहीं की तो भी चलेगा, ठीक है, डिफॉल्ट ये आपका इनिशियल पॉइंट P है। ओके, अब ये होने के बाद नेक्स्ट जो है, तो आपको इस पाई डी डिस्टेंस के इक्वल 8 नंबर ऑफ पार्ट कर लेने हैं। जितने पार्ट हमने सर्कल के किए हैं उतने ही पार्ट आपको करने हैं दिस पाई डी डिस्टेंस के। तो उसके लिए डायरेक्टली आप इंक्लाइंड लाइन मेथड फॉलो करो, यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन बना दो लाइक दिस, और इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस के 8 पार्ट मार्क कर दो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बड़ा है तो मैं 2-2 सेंटीमीटर के एक एक पार्ट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। दिस इज पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट आपको ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, और रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स है
वो सब पॉइंट अभी आपको ड्राफ्टर की मदद से उसकी प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करने हैं पाई डी डिस्टेंस पे। ओके, ड्राफ्टर इसे पैरेलल लगा लो, यहाँ से लाइन नहीं निकाली तो भी चलेगा लाइक दिस, और ये लाइन भी आपको फेंट ही निकालनी है अगर लाइन निकालते हो तो। ओके ठीक है, अब जैसे ये P1 2 3 4 है तो वैसे ही इस साइड में हम लेवलिंग करेंगे। P दिस इज योर पॉइंट 1 डैश, इसको हम बोलेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश एंड अगेन फाइनली P डैश लास्ट पोजीशन या 8 डैश। ओके, अब इसके बाद इन सभी 1 डैश 2 डैश अप टू P डैश इन सभी पॉइंट में से आपको वर्टिकल प्रोजेक्टर निकालने हैं अप टू दिस सेंटर लाइन, यहाँ तक वर्टिकल प्रोजेक्टर आपको ड्राफ्टर की मदद से ड्रॉ करने हैं। ये भी लाइन आपको फेंट ही निकालनी है, ये प्रोजेक्टर सिर्फ यहाँ तक ही निकालना है आपको सेंटर तक। तो ये जो हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं ये प्रोजेक्शन क्या है, दिस इज नथिंग बट दी न्यू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन इट इज रोलिंग। जैसे ये सर्कल रोल होगा तो ये हर एक पॉइंट उसकी न्यू पोजीशन है सेंटर की। ओके, अब ये जो सर्कल का सेंटर है इस सर्कल के सेंटर को मैं बोलता हूं सेंटर C0 क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में। अब जैसे सर्कल रोल होगा तो ये उसका नया सर्कल होगा पोजीशन 1 के लिए, इसलिए इसे बोलेंगे हम सेंटर C1। दिस वन इज सेंटर C2, दिस वन इज C3, C4, C5, C6, C7 एंड दिस इज फाइनली C8। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो कंपास की मदद से आपको P2 C0 इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है जो कि है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और ये डिस्टेंस कंपास में लेके आपको सेंटर लेना है C1, कंपास रखनी है C1 के ऊपर, और ये जो 1 का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर हमने निकाला है इस 1 के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को आपको इंटरसेक्ट करना है लाइक दिस। देखिए इसको मैंने इंटरसेक्ट किया है 1 के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट P1, ये मिला P1। ओके, सेम रेडियस कंपास में लेके कंपास रखनी है C2 के ऊपर, C2 इज योर नेक्स्ट सेंटर, और अभी 2 के प्रोजेक्टर को, ये 2 का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर है इस 2 के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को आपको कट करना है, ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। दिस वन इज योर पॉइंट P2, ये P2 पॉइंट मिला आपको। सिमिलरली कंपास रखनी है C3 के ऊपर, और 3 का ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर है इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को आपको कट करना है लाइक दिस, ये मिला आपको पॉइंट यहां पे पॉइंट P3। सिमिलरली पुट द कंपास ऑन C4 सेंटर एंड कट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट 4, तो पॉइंट 4 को ये एक्सट्रीम टॉप मोस्ट पोजिशन पे यहां पे कट करेगा, देखो लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा आपको पॉइंट 4, ये देखिए ये पॉइंट ठीक से मार्क करना, दिस इज पॉइंट P4। अब नेक्स्ट सेंटर लेना है आपको C5। अब 5 का प्रोजेक्टर देखिए, यहाँ पे 3 और 5 का कॉमन प्रोजेक्टर है, तो 3 के लिए हमने इसे ये साइड में मार्क किया था बैक साइड में। अब 5 जो है तो ये 5 हाफ रिवॉल्यूशन लेके आगे का पॉइंट है, इसलिए जब 5 से आप मार्किंग करोगे तो ये 5 की मार्किंग बैक साइड में नहीं करनी है, ये आगे की साइड में करनी है ऑन दिस साइड लाइक दिस, क्योंकि कर हमारा ऐसे मूव हो रहा है ऑन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज पॉइंट
C5. Similarly, put the compass on C6 and cut the horizontal projector of 6 like this. So this is your point P6. Finally, put the compass on C7 and cut the horizontal projector 7 like this. So this point is your point P7. और अगर C8 पे फाइनली कंपास रखते हो तो ये डायरेक्टली मैच करता है P' को, ठीक है, तो ये यही पे आता है. सो दिस वन इज योर लास्ट पॉइंट P8 या P'. अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P से स्टार्ट होकर ये कर्व स्टार्ट होगा P, देन P2, देन P3, देन P4, then P5, then P6, then P7, and finally P'. ठीक है, ये आपको फ्रेंच कर्व की मदद से ज्वाइन करना है और ये कर्व स्मूथ आना चाहिए एकदम. ओके, सो यूज फ्रेंच कर्व वाइल ज्वाइनिंग all these points. Okay student, so after joining all these points you will get the curve like this, and this is a cycloid when your point P is on ground position. So jab point P ground position pe hai us samay aapko ye curve is manner se draw karna hai. Theek hai, to next lecture mein hum dekhenge how to draw a cycloid when your point P is at फर्देस्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होगा, उस वक्त ये कर्व कैसे ड्रॉ करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ए साइक्लॉइड व्हेन योर पॉइंट पी इज ऑन ग्राउंड पोजिशन. थैंक यू.